फारूख अब्दुल्ला नज़रबंद हैं और मार्च से पहले उन बाहर आएंगे नहीं, मार्च तक उनकी जो तारीख है नज़रबंद रखने की वो बढ़ा दी गई। लेकिन इस नागरिकता कानून पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले विपक्ष के इस डेलीगेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी भी शामिल रहे और मसूदी ने इस कानून के विरोध में कई तर्क दिए हैं और उनसे भी मुलाकात की मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी इस वक्त हमारे साथ हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद आपने जो पक्ष रखा है अपोजिशन ने, क्या आपने मांग की है? देखिए, हमने कहा है कि जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और लोगों को कबूल नहीं है। अब देखिए, अक्रॉस द कंट्री ईस्ट से वेस्ट तक और बिल्कुल डाउन टू साउथ हर एक ने इसको डिसअप्रूव किया है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का देखिए क्या है, और बहुत ही एक बात बड़ी बड़ी इनक्रेजिंग है कि लोगों ने अक्रॉस द कम्युनिटीज इसको रिजेक्ट किया हुआ है। यही बात हमने और राष्ट्रपति को कहा कि आप एक ट्रस्टी हैं, आप कस्टोडियन हैं कौन हमारे संविधान के, हमारी डेमोक्रेसी के, आप इसमें इंटरवीन कीजिए, आप इसमें इंटरफेयर कीजिए और ये अंडू कीजिए, जो भी एक्ट है, जो भी तरीका हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, उससे ये वापस ले जाइए। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि देखिए किस तरीके से इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठ रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी जो भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ, तो कैसे उसको कुचला जा रहा है, कैसे उस डिसेंट को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, ये बात हमने रखी और हमें उन्होंने सुना बड़ी इत्मीनान से। क्या भरोसा मिला है राष्ट्रपति की ओर से इस पूरे मामले को लेकर? राष्ट्रपति ने सुन के और ऐसा लगा कि उन्होंने बड़े संजीदगी के साथ ये सारा मामला सुन लिया और कहा कि अप्रोप्रिएट एक्शन, जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी उनकी तरफ से होगी। धन्यवाद बात करने के लिए। हसनैन मसूदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से बात कर रहे थे और ये पक्ष रखा है अपोजिशन ने कि जो विवादास्पद कानून है उसको वापस लिया जाए। कैमरामैन सुरभि के साथ प्रदीप कुमार, टोटल।